आज खिड़की से झांक कर देखा तो नजरों से टकराए सिर्फ बादल ही बादल, धूप का तो कहीं साया भी न था। तो सोचा उठाते हैं आज कागज और कलम, कुछ लिखे, बीत गया जमाना था। आगे जाकर देखा तो ये बावला बरसात का बादल, लगता मुझे दीवाना है। इससे कोई खबर नहीं कि किस राह से बचना है, किस छत को भिगाना है। तो दोस्तों, मेरा नाम शिवांगी है और आप मुझे प्यार से शिवी बुला सकते हैं। आज रविवार है, यानी कि संडे, और आपकी और मेरी मुलाकात का दिन, और इसलिए एक और पन्ना अपनी ज़िंदगी की किताब से आपके साथ बांटने आ गई हूँ। कल रात से बारिश बस हुए जा रही थी और बस अभी जाकर थमी। सोचा कि मुद्दतों के बाद आज कुछ लिखने बैठती हूँ, मौसम ने भी मेरा साथ दिया। जानते हैं इन पन्नों में क्या लिखा मैंने? वही कुछ पंक्तियाँ जो शुरुआत में आपको सुनाई थी। आज खिड़की से झांक के देखा तो नज़रों से टकराए सिर्फ बादल ही बादल, धूप का तो कहीं साया भी न था। तो सोचा उठाते हैं कागज़ और कलम, कुछ लिखे, बीत गया ज़माना था। ये बावला सा बरसात का बादल, मुझे तो लगता दीवाना है। इससे कोई खबर नहीं किस राह से बचना है, किस छत को भिगाना है। तो जब कागज़ों पे मेरी ये मशक्क़त चल रही थी, तभी आयुष्मान दौड़ते हुए मेरे पास आ पहुंचा, मुझे याद दिलाने कि आज उसका स्कूल का प्रोजेक्ट भी मुझे कंप्लीट करवाना है। बच्चों की छुट्टियां बिना प्रोजेक्ट और होमवर्क के तो हो ही नहीं सकती, वो ज़माने कुछ और हुआ करते थे। जब छुट्टी का मतलब घूमने जाना, रिश्तेदारों के यहाँ डेरा डालना और खेलना कूदना मौज मनाना होता था। आज बहुत सारी बेड़ियाँ साथ में जकड़ी हुई होती हैं। खैर, सुनते ही आयुष्मान की बात मैंने डायरी बंद की, तैयार हुई, किचन पहुँची और सोचा एक कप चाय पी लूँ, फिर प्रोजेक्ट बनवाऊँगी और चाय की चुस्कियों के साथ आपसे अपने बातों की गठरी भी खोल ली मैंने। अकेले चाय पीना आज भी राज नहीं आता मुझे। मम्मी से दूर हॉस्टल में जब चाय पीनी ज़्यादा शुरू कर दी थी, तब भी आसपास सहेलियां तो होती ही थीं चुहलबाजी करने के लिए इन चुस्कियों के साथ। और अब इंतज़ार रहता है संडे का। पूरे हफ्ते की ढेर सारी बातें जमा जो हो जाती हैं आपसे शेयर करने के लिए। क्या क्या बताऊंगी आपको, ये सब चाय पीते पीते ही सोचती हूँ। पता ही नहीं चला वीडियो की स्क्रीन के उस पार आप कब मेरे चाय के साथी बन गए। तो दोस्तों, अभी मैं अपने बगीचे में हूँ। कुछ जगह फ्लावर गार्डन बनाए हुए हैं और कुछ किचन गार्डन। और दोस्तों, आयुष्मान का प्रोजेक्ट माय गार्डन ही है, पर मैं इस प्रोजेक्ट के बहाने आयुष्मान को आज किचन गार्डन में अपने साथ काम करवाना चाहती हूँ। और ऐसा करवाने का मेरा मकसद है कि आयुष्मान को मैं ये बात सिखा पाऊँ कि ये मिट्टी मिट्टी है, डस्ट नहीं है, इसमें जीवन पनपता है, एलर्जी नहीं। उसे ये बताना चाहती हूँ कि ये मिट्टी धरती है, धूल नहीं। उसे ये समझाना चाहती हूँ कि उसकी माँ और पापा इसी मिट्टी में बड़े हुए हैं और इसी मिट्टी के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए उसके पापा हमसे महीनों अलग रहते हैं। जानती हूँ किताबों में माय गार्डन नाम का चैप्टर ज़रूर होता है, पर ज़िंदगी की हर सीख किताब तो नहीं सिखा सकती। कुछ पाठ हमें खुद अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ाने पड़ते हैं, जैसे हमें हमारे मम्मी पापा ने पढ़ाए। दोस्तों, अभी आप मेरा किचन गार्डन देख रहे हैं। मुझे बहुत शौक है गार्डन लगाने का, फूलों का, पौधों का, फलों का, सब्जियों का। जानती हूँ आपको भी होगा, हम सारे इंसान प्रकृति से इसी तरीके से तो सबसे ज़्यादा नज़दीकी से जुड़े होते हैं ना। और इसीलिए इस नई पोस्टिंग में भी मैंने ढेर सारी सब्जियाँ और फल लगाए हुए हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये खीरे वाला कंपाउंड है, तो अभी इस दीवार पे खीरों की बेलें और इनमें लटकते ढेर सारे सलाद का सामान।
सबसे पहले हमने यही तोड़े, फिर आए हम पालक पर। हरी धनिया अभी छोटी है तो उसको छोड़ दिया, और टमाटर, उसके तो पौधों में अभी केवल फूल ही आए हैं। अब हम बढ़े दूसरी क्यारी की तरफ, पत्ता गोभी और गांठ गोभी। तो ये पत्ता गोभी तो सही से निकल गए, पर गांठ गोभी इतने मुश्किल है निकालने कि क्या कहूँ। आप खुद ही वीडियो में देख लीजिए मेरी हालत क्या हो गई है। आयुष्मान मुझे पकड़ पकड़ के खींच रहा है, मम्मा आप तो लटक जाओगी इसी गांठ गोभी में, मेरा प्रोजेक्ट तो गया तेल लेने। तो दोस्तों, ये सब्जियां तोड़ते तोड़ते बीते दिनों की एक बात याद आ गई। हमारी पोस्टिंग नागपुर में थी और वहाँ भी हमने ढेरों फूलों के गमले लगाए हुए थे, पर जब 2 साल बाद वहाँ से हमारी पोस्टिंग दार्जिलिंग के पास आई तो अमरजीत यानी कि मेरे पतिदेव ने सारे गमले और पौधे डोनेट कर दिए। मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई, बहुत दुखी थी मैं। मैंने उनसे कहा ये पौधे मेरे बच्चों की तरह थे, मैंने 2 साल इनकी देखभाल करके इन्हें पाला था, आप कैसे इन्हें किसी और को दे सकते हैं। वो सब कुछ शांति से सुनते रहे, फिर बोले नागपुर एक गर्म जगह है और हमारी नई पोस्टिंग दार्जिलिंग ठंडी, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद इनमें से आधे पौधे सूख जाएंगे और बाकी इतने अलग क्लाइमेट में जी नहीं पाएंगे। तुम अगर इन पौधों की माँ हो तो क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। इनमें से आधे पौने पौधे जो जी जाएं वो तुम्हारे साथ रहें या तुमसे दूर रहकर ये सब के सब सही सलामत रहें, पनपें फूलें। उनकी बात सुन मेरा सारा गुस्सा जैसे धुएं की तरह उड़ गया, और अब हर नई पोस्टिंग पर जाते हुए पिछली पोस्टिंग के पौधे वहीं किसी के पास छोड़ कर आती हूँ जो उनको मेरी ही तरह प्यार करे पाले। तो देख रहे हैं आप हमने कैसे टोकरे भर भर के सब्जियां तोड़ ली हैं, और इनको लेकर सीधा मैं किचन आ गई हूँ, और कुछ बहुत छोड़कर 2 टोकरियों में मैंने सारी ताज़ी सब्जियां पैक कर ली हैं अपनी 2 सहेलियों के पास भेजने के लिए। और जानते हैं जब ये सब मैं अपने कैमरे में कैद कर रही हूँ, बहुत मन कर रहा है कि काश कोई ज़रिया होता जिससे मैं आपके पास भी ये भेज पाती, पर ये स्क्रीन की दूरी ऐसा होने कहाँ देगी। अभी तक दोपहर के खाने का टाइम हो चला था, खाना नहीं खाने का, खाना बनाने का। तो मैंने फटाफट शुरू की तैयारियाँ, और ये देखिए लंच बस बनने ही वाला है। आज लंच में मैंने बनाया था मिक्स दाल और आलू और बैंगन का चोखा, बस चोखा को हल्का सा बाद में भून दिया था। अमरजीत ने आज सवेरे ऑफिस जाने से पहले ही बता दिया था कि लंच में वो घर नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि पूरा दिन उनका बिना लंच के ही चला जाएगा, तो क्यों ना बना करके पैक करके उनके लिए भेज दूँ। तो बस आखिर में दाल में तड़का लगाने की तैयारियाँ हो रही हैं मम्मियों वाले स्टाइल में, देसी घी में जीरा लहसुन अदरक प्याज टमाटर हरी मिर्ची सारी चीज़ें भून करके ये हमारा तड़का। खाना रेडी था दोस्तों, और जैसे ही गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार हो गईं, सारा खाना मैंने पैक कर दिया दही और सलाद के साथ। खाना मैंने एक नहीं कम से कम 3 लोगों के हिसाब से पैक किया है। जानती हूँ अमरजीत अकेले नहीं खाएंगे, सबको साथ में ही बिठाएंगे। खाना भेजने के बाद में आयुष्मान को भी मैंने लंच कराया, और फिर अपने लिए भी थाली लगा करके ले आई, स्वाद ले ले करके मैंने पूरा खाना खाया। रात हो गई थी दोस्तों, और मुझे इवनिंग वॉक से वापस आने में लेट हो गया था, तब तक अमरजीत भी घर आ चुके थे। बोले वीकेंड है चलो बाहर खा कर आते हैं, और पहुंच गए हम रेस्टोरेंट। हमने लिया वहां पे राजमा, पालक पनीर, मिक्स वेज सलाद, चिली पनीर भी ऑर्डर किया जो कि सबसे बाद में आया, लहसुनी नान, तंदूरी रोटी और हलवा। तो दोस्तों खाना खाते खाते कहीं ना कहीं मैं ये भी सोच रही हूँ कि खाने के बाद जाकर करना है मुझे अपना बचा हुआ काम, यानी कि वीडियो की एडिटिंग और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का रिप्लाई करना।
तो दोस्तों, ये थी मेरी आम सी ज़िंदगी के कुछ खट्टे मीठे, कुछ उलझे, कुछ सुलझे पल। और सच कहूँ तो आपसे अपने दिल की ये सारी बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, दिल हल्का सा हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बिना भला हम कैसे जुड़े रह पाएंगे। तो दोस्तों, फिर से मिलूँगी आपसे अगले रविवार, अगले संडे अपनी ज़िंदगी बांटने। फिर से मिलिएगा ज़रूर, बेसब्री से आपका इंतज़ार रहेगा। और अपना बहुत ध्यान रखिएगा।